आज हमने कराया उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 84,71,756 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 50,356 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 641 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 125,713 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 498 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 148 नए मामले सामने आए, जबकि चमोली में 62, पौड़ी में 51, नैनीताल में 46, हरिद्वार में 36, पिथौरागढ़ में 36, टिहरी में 32, अल्मोड़ा में 21, उधमसिंह नगर में 19, बागेश्वर में 15, रुद्रप्रयाग में 13, चंपावत में 10, उत्तरकाशी में 9 संक्रमित मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में 8 संक्रमितों की मौत हो गई। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में 3, दून मेडिकल कॉलेज में 1, जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में 1, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, JLN हॉस्पिटल रुद्रपुर में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,063 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 65,036, वहीं 59,564 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 3,890 केस एक्टिव हैं, 1,063 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कुल मरीजों की संख्या 1,971, बागेश्वर में 992, चमोली में 2,024, चंपावत में 1,173, देहरादून में 17,968, हरिद्वार में 11,231, नैनीताल में 7,574, पौड़ी गढ़वाल में 3,336, पिथौरागढ़ में 1,597, रुद्रप्रयाग में 1,477, टिहरी गढ़वाल में 3,224, उधमसिंह नगर में 9,690, वहीं उत्तरकाशी में 2,779। तो टोटल मामले 65,036 पहुंच गए हैं। मेडिकल कॉलेज के शिक्षक समेत 2 कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में 1 शिक्षक समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक शिक्षक टिहरी जिला और एक बुजुर्ग पौड़ी जिले का निवासी है। दोनों संक्रमितों को सांस लेने में दिक्कत रही थी। बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति, भारतीय मूल की कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी। तो ट्रंप के दोबारा चुने जाने की उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं, फिर भी नहीं मान रहे हैं हार। अब धरती के चप्पे चप्पे पर भारत की नज़र। तो भारत की नज़र अब धरती के चप्पे चप्पे पर रहेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को EOS-01 समेत 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। EOS-1 ने सेना किसी भी मौसम में दुश्मनों पर नजर रख सकेगी। रुड़की में सिलेंडर फटा, 13 लोगों की हालत गंभीर। तो मंगलोर में मिठाई की दुकान में शनिवार दोपहर गैस सिलेंडर फट गया, इससे दुकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हादसे में कर्मचारी और ग्राहकों समेत 13 लोग घायल हो गए। रोडवेज में ओवरटाइम पर लगाई रोक। तो लॉकडाउन की वजह से घाटे में चल रहे रोडवेज प्रबंधन ने फैसला लिया है। आश्वासन तो मिला पर नहीं हुई शिक्षकों की भर्ती। तो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बावजूद अभी तक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। प्रशिक्षित बेरोजगारों ने कहा कि जब तक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री की ओर से 3 दिन के भीतर शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने किए जाने का आश्वासन दिया गया था। 18 से 65 वर्ष के लोग ही कर सकेंगे हज यात्रा। तो हज यात्रा 2021 के लिए इस बार 65 से अधिक आयु के लोगों को अनुमति नहीं दी गई है। कोविड-19 की वजह से हज और उमरा करने वालों की आयु सीमा की बाध्यता लागू की गई है। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो मौत के गड्ढे में शादी की खुशियों ने दम तोड़ा। तो खबर है देहरादून के रायपुर से, जहां पर रायपुर क्षेत्र में एक गली के छोटे से गड्ढे में एक परिवार की शादी खुशियों ने दम तोड़ दिया। इस जानलेवा गड्ढे में गिरने से बेटी की शादी के कार्ड बांटने जा रहे पिता की मौत हो गई। लड़की के मामा भी घायल हो गए। लापरवाही का आलम यह है कि यह गड्ढा करीब 8 महीने से परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों ने शिकायत भी की लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसी लापरवाही का नतीजा एक बेकसूर की मौत के रूप में सामने आया। शुक्रवार शाम को राजीव नगर कंडोली की गली में उनकी मोटरसाइकिल गड्ढे में जा गिरी, इससे दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें कैलाश अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार विनोद कुमार की हालत तो सामान्य थी, लेकिन संतराम सिंह को काफ़ी चोट आई थी। शनिवार को संतराम सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सोने की भाव की बात करें तो 22 कैरेट सोना के रेट 49,310 प्रति ग्राम चल रहे हैं, प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। इस बार मिलेगा 2 माह का राशन। तो गोदामों में नई खरीद
का चावल पहुंच चुका है, लेकिन सफेद और गुलाबी कार्ड धारक को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल भी इसी माह मिलेगा। इन कार्ड धारकों को नियमित राशन के साथ ही अक्टूबर का मुफ्त चावल, नवंबर का चावल और गेहूं के साथ 1 किलो काला चना भी मिलेगा। वही खबर है देहरादून से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मामा गिरफ्तार, तो नाबालिग भांजी को बेला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी मामा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। त्योहारी सीजन में नहीं मिला मानदेय, गैस टीचर नाराज, तो गैस टीचरों ने 2 महीने से मानदेय न मिलने पर नाराजगी जताई है। गैस टीचरों का कहना है कि शिक्षा मंत्री और निदेशक के आश्वासन के बावजूद अभी तक मानदेय नहीं मिला है, दीपावली से पहले उन्हें मानदेय दिया जाए। आज होगी रोमांचक व्हील साइकिल रैली, तो पर्यटन के लिए सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देने के लिए राज्य स्थापना दिवस पर रविवार को हिल विद व्हील्स MTB साइकिल रैली आयोजित की जाएगी। मसूरी पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी। पैरोल खत्म होने के बावजूद जेल नहीं लौटे 30 कैदी, तो सहूलियत के लिए दी गई पैरोल को कैदियों ने अपने मतलब में खूब भुनाया। अब भी 30 कैदी 6 माह की अवधि पूरी होने के बावजूद जेल नहीं लौटे हैं। साथ ही निकले मनोज के हत्यारे, तो डोईवाला से खबर, जहाँ पे 2 दिन पहले झाड़ियों में मिला था केशवपुरी बस्ती निवासी मनोज का शव, तो 2 दिन पहले केशवपुरी बस्ती हॉट बाजार में बस्ती निवासी युवक मनोज की हत्या उसके साथ टेंट का काम करने वाले 2 अन्य साथियों ने ही की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पूर्व मनोज का शव झाड़ियों में मिला था। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत, एक घायल, तो खबर है विकास नगर से, जहां पे कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मंडी चौक के पास निर्माण कार्य की पैमाइश में जुटे 2 मजदूर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों युवक तेज झटके के साथ दूर जा गिरे। पास काम कर रहे अन्य लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। देहरादून से खबर है, जहां पे 20 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बात करते हैं जॉब पलट को लेकर के, तो SSC CHSL में वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एज इसमें 18 से 27 साल रखी गई है, तो SSC.NIC.IN पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। इंस्पेक्टर बनने के लिए अभी करें आवेदन, तो NIA में वैकेंसी निकली हुई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। टोटल पद यहाँ पर 89 हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 नवंबर रखी गई है। समूह ग के विभिन्न पदों पर मौका, तो UK 3+ उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग में 854 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें समीक्षा अधिकारी से लेकर VDO VP समेत कई पद हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 24 दिसंबर है, 10 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। मैनेजर सहित कई पद खाली, तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन में 22 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13 नवंबर है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी इन्फॉर्मेशन और फॉर्म यहां से भर सकते हैं। लूसी रुस्तम और सियोली सब तैयार, DGP ने देखी रिहर्सल, तो राज्य स्थापना दिवस की परेड 9 नवंबर को पुलिस की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इसी क्रम में डॉग स्क्वाड की लूसी भी सालों की परंपरा के तहत मुख्य अतिथि को गुलदस्ता भेंट करने को तैयार है, और परेड अगुवाई के लिए घोड़ा रुस्तम भी। परेड में पहले शनिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, इसका DGP अनिल रतूड़ी और DG कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने जायजा लिया। महिलाएं पुत्र की कुशलता के लिए रखेंगे व्रत, तो धार्मिक लिहाज से रविवार का दिन बेहद खास है। खरीदारी के लिए सबसे उत्तम पुष्यम नक्षत्र सुबह 8:46 तक रहेगा, जिसमें शाम तक खरीदारी करना शुभ रहेगा। पुष्य नक्षत्र के पहले दिन भी बाजार में जम के खरीदारी हुई, वहीं रविवार को अहोई अष्टमी भी है, महिलाएँ पुत्र के लिए व्रत रखेंगी। वही खबर आई है, शिक्षक पॉजिटिव, कॉलेज 3 दिन बंद, तो नई टिहरी जाखणीधार से खबर है, जहां पर जाखणीधार ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट में एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिला। BA धनवीर सिंह ने प्रधानाचार्य को कॉलेज को 3 दिन के लिए बंद कर दिया है।
हत्या के खुलासे को डीएम कर ले और थाना घेरा गया है। तो गोपेश्वर से खबर आई है, चीनूक की पहुंचाई मशीनों के हिस्से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। तो केदारनाथ में दूसरे चरण में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए चीनूक हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाई गई भारी मशीनों के पार्ट्स को असेंबल करने के लिए कंपनियों के तकनीकी कर्मचारी केदारनाथ पहुँच गए हैं। गुलदार के हमले से युवक घायल, तो खबर आई है रुद्रपुर रुद्रप्रयाग से, जहां पे अगस्त मुनि ब्लॉक के डोंडिक गांव में जंगल में घास लेने गए एक युवक को गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। अन्य लोगों के शोर से गुलदार भागे, ग्रामीणों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। नीति घाटी के जंगलों में भड़की आग वन्य जीवों को बना खतरा। तो चमोली जिले के सीमांत क्षेत्र नीति घाटी के जंगल में आग में जल रहे हैं। आग लगने से वन संपदा नष्ट हो गई है, वन्य जीवों पर भी खतरा मंडरा रहा है। एक वाहन यात्री नदी में गिरा, एक की मौत, दो लापता हो गए हैं। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों का वाहन शनिवार को टिया पुल के पास अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर नीचे अलकनंदा में जा गिरा। वाहन में चार लोग सवार थे, जिसमें एक यात्री की मौत हो गई जबकि दो यात्री लापता हैं। एक घायल को नदी किनारे से निकालकर सीएससी जोशी मठ भर्ती कराया गया। एसडीआरएफ की टीम ने अलकनंदा में लापता की खोज की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। बाइक खाई में गिरी, दो युवकों की मौत। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, जहाँ पे केदारनाथ यात्रा के लिए सहारनपुर से आए दो युवकों की ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तिलड़ी के समीप एक बाइक दुर्घटना होने से दो युवकों की मौत हो गई। रेस्क्यू दल ने क्रेन से शवों को खाई से निकाला। दुर्घटना शुक्रवार देर रात बताई जा रही है। वही खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे दो वाहनों की भिड़ंत हो गई, सभी सुरक्षित हैं। रंग लाए तीन मुख्यमंत्रियों की पहल। तो बांध प्रभावितों के लिए नहीं, पर्यटन की दृष्टि से अहम है डोबरा चांटी पुल। तो डोबरा चांटी पुल निर्माण के तीन मुख्यमंत्री का योगदान अहम रहा। दुष्कर्म के आरोपी कारी और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक महिला ने दर्ज कराया था मुकदमा। तो 5 साल से दुष्कर्म करने का है आरोप, दोनों को जेल भेज दिया गया। स्काउट गाइड का स्थापना मनाया गया। तो मुख्यालय में स्काउट गाइड का 17वां स्थापना दिवस सादगी से मनाया गया। विश्वविद्यालय घोषित नहीं कर पा रहा रिजल्ट। तो अंतिम वर्ष की परीक्षा संपन्न होने के 2 सप्ताह बाद भी कई संस्थानों ने आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के नंबर हृदय सुमन विश्वविद्यालय को नहीं भेजे हैं, जिससे विश्वविद्यालय को समय पर रिजल्ट घोषित करने में दिक्कत हो रही है। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में 1801 बच्चे शामिल हुए। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो जिम की बैठक में भिड़े उपाध्यक्ष और सदस्य। तो सदस्य ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष पर लगाई कई आरोप, मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी। हाथी ने दीवार तोड़ी, दीवार गन्ने के खेतों में घुसा। वही खबर है भगवानपुर रुड़की से, जहाँ पे व्यापारी की पत्नी और बेटे को बंधक बनाकर दिन दहाड़े लूटपाट की गई। तो हथियार बंद तीन नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी की पत्नी और बेटे को घर में बंधक बनाकर दिन दहाड़े लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद बदमाश माँ बेटे के हाथ पैर बांधकर फरार हो गए। घर का रास्ता भटक कर 2 किलोमीटर दूर पहुँच गई मासूम। तो हरिद्वार से खबर आई है, 1.5 लाख रुपए के नकली स्पेयर पार्ट्स मिले, केस हुआ है। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने एक नामी कंपनी के नकली स्पेयर पार्ट बेचने वाले दुकानों पर छापा मारा। मोबाइल की कीमत के भुगतान के दिए आदेश। तो मोबाइल फोन में तकनीकी खराबी के मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने सैमसंग इंडिया को खराब मोबाइल की कीमत के साथ 6% वार्षिक ब्याज और बाद खर्च के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान का आदेश दिया है। देसी शराब के साथ सात तस्कर गिरफ्तार किए गए। तो हरिद्वार से खबर है, वह 3 तलाक और मारपीट में मुकदमा दर्ज किया गया। तो पथरी से खबर है, जहाँ पे कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एक महिला के पति के खिलाफ 3 तलाक और मारपीट पर का मुकदमा दर्ज किया है। स्क्रैप चोरी में 2 आरोपी गिरफ्तार। तो स्क्रैप को बेचने जा रहे थे, दोनों वाहन सील किया गया। खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे फंदे से लटका मिला युवती का शव। तो कनखल थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक युवती का शव फंदे से लटका मिला। सुसाइड नोट में युवती ने पड़ोसी महिला पर ताने मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
धमाके से हिल गई दीवारें, सहमे लोग तो मिठाई की दुकान के अंदर आग की भट्टी के पास गैस सिलेंडर लीक होने से हुआ हादसा। तो जोरदार धमाके से आसपास की दुकानों में मची भगदड़, कई दुकानों के शीशे टूटकर गिर गए। बात करता हल्द्वानी की खबरों की, तो शहर में बिजली ने रुलाया, पानी का संकट भी गहराया। तो शनिवार को ऊर्जा निगम की ओर से बिजली लाइनों की मरम्मत के लिए शटडाउन लिया गया, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम 6:15 तक शहर के नलकूपों का संचालन ठप रहा, जिससे शहर के करीब 80,000 की आबादी को पेयजल के लिए भटकना पड़ा। नल से निकले कीड़े, तो गुरु नानकपुरा निवासी राजेंद्र सिंह ने घर में नल से कीड़े आने की शिकायत जल संस्थान अधिकारियों से की। आज नैनीताल में 6 घंटे गुल रहेगी बिजली। युवक के पैरों पर पड़े डंडों के निशान, बयां कर रहे क्रूरता की कहानी। तो 4 दिन पहले पिटाई से बने घाव हरे, छोटी गलती होने पर 3 लोग खंभे में बांधकर आतंकियों की तरह पीटते थे। तो खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती गोलापार का युवक बेरहमी की दास्तां बताते बताते रो पड़ा। उसने बताया कि केंद्र में बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने और खाना बनाने का काम दिया जाता था। छोटी सी छोटी गलती पर केंद्र के 3 लोग पीयूष के सहारे पर उन्हें खंभे से बांधकर पीटते थे। पिटाई के बाद इलाज भी नहीं कराया जाता था। तो गोलापार निवासी युवक के भाई ने बताया कि उसने भर्ती कराते समय 15,000 रुपये दिए थे। इसके बाद प्रति माह 10,000 रुपये के अलावा 1,500 रुपये फल और दूध के लिए दिए जाते थे। इसके बाद भी भर्ती मरीजों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर आज से रोक। धनतेरस और दीपावली त्यौहार के मद्देनजर जिला पुलिस ने रविवार से 6 दिनों के लिए 14 नवंबर तक शहर के बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। बीएड एमएड की प्रवेश परीक्षा आज, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बीएड और एमएड की प्रवेश परीक्षा आज यानी रविवार को होगी। कुमाऊं में इसके लिए 17 केंद्र बनाए गए हैं। तो विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक संजय पंत ने बताया कि बीएड की परीक्षा 2 पालियां पूर्वाह्न 11 से 1 बजे तक और दोपहर 1:15 से 2:15 तक होगी, जबकि एमएड की परीक्षा 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। कहा कि सभी छात्र छात्राएं अपने प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे पुष्य नक्षत्र पर 17 कारें घर आई। सिलेबस में 20% और कमी करने पर हो रहा मंथन। तो कोरोना महामारी के कारण पढ़ाई प्रभावित होने के चलते सीबीएसई 10वीं और 12वीं का सिलेबस कम करने का विचार कर रहा है। सिलेबस में 20% की कटौती हो सकती है। इससे पहले जुलाई में सिलेबस 30% कम किया जा चुका है। एमबीपीजी कॉलेज में बीए में 250 और बीएससी और बीकॉम में 1,000 सीटें खाली हैं। ऑपरेशन के समय आई जांच की याद निकली पॉजिटिव। तो हल्द्वानी से खबर, जहां पे बेस अस्पताल में परिजनों ने कराया महिला को कराया था भर्ती, 36 घंटे बाद एसटीएच भेजा गया। अल्मोड़ा के किसान की एसटीएच में मौत हो गई। तो सुशील तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार रात एक किसान की मौत हो गई। फ्रांस सरकार पर भड़के उलमा, तो फ्रांस के कार्टूनिस्ट द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने पर फ्रांस सरकार के समर्थन देने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राज्य गठन के 20 साल बेरोजगारी दर 14% के पार। तो पलायन का दर्द नहीं हुआ कम, जुल्म ढाने वालों को नहीं मिली सजा। जंगली जानवरों ने तबाह करके रख दी खेती, जान के दुश्मन भी बने हुए हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो नए बाजार का निर्माण करेगा ग्रोथ सेंटर। तो सीएम ने 11.92 करोड़ रुपए की 7 योजनाओं का लोकार्पण किया। कीवी अखरोट और चूरा पर करे फोकस, तो मुख्यमंत्री ने नरियाल गांव में की समीक्षा बैठक। वहीं खबर आई है चंपावत लोहा घाट, जहां पे सीएम को काले झंडे दिखाने जा रहे 10 कांग्रेसियों को हिरासत में लिया गया।
सेल कुमारी में शिक्षक मिला कोरोना पॉजिटिव। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे सीमांत जिले के GIC सेल कुमारी में एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिला। शिक्षक 3 नवंबर से अवकाश पर है। विधवा चाची का शारीरिक शोषण मुकदमा दर्ज किया गया है। तो खबर यही है पिथौरागढ़ से जहाँ पे झूलाघाट थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार तार कर एक भतीजा अपनी विधवा चाची का 5 साल से शारीरिक शोषण कर रहा था। आरोपी किसी को बताने पर चाची को जान से मारने की धमकी देता रहा। आखिरकार महिला ने साहस जुटाकर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई। झूलाघाट थाना पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने रवाना हो गई है। लोहा घाट में डुंगरा बोरा में तेंदुए ने युवती को बनाया निवाला। तो पहाड़ पर तेंदुए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई आदमखोर ढेर किए जा चुके हैं। इसके बावजूद आए दिन लोगों के तेंदुए का शिकार होने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। शनिवार को नेपाल सीमा से लगे लोहा घाट ब्लॉक के डुंगरा बोरा गाँव में तेंदुए ने खेत में घास काटने गई एक युवती को अपना निवाला बना लिया। काफ़ी ढूंढ खोज के बाद युवती का अधखाया शव गाँव से काफ़ी दूर वन पंचायत के जंगल में मिला। इस घटना से डुंगरापुरा गांव समेत पूरे क्षेत्र में दहशत है। खबर है थल से जहां पर शिकारियों ने जंगलों में लगाई आग। तो खाबर झूला और बालचंद झूला के में जंगल शुक्रवार को आग की लपटों में नजर आए। बागेश्वर से खबर है जहाँ पे BSNL सेवा 32 घंटे के बाद बहाल हुई। तो इंटरनेट सेवा शनिवार को भी उपभोक्ताओं को परेशान करती रही। SSJ परिसर में BEd MEd की प्रवेश परीक्षा आज है। तलमोड़ा से खबर आई है। वहीं खबर है बागेश्वर जहाँ पे पुटकुनी की बालिका गलघेटू की चपेट में है। युवती से छेड़छाड़ नामजद रिपोर्ट दर्ज किया गया है। तो बागेश्वर से खबर है जहाँ पे कोतवाली क्षेत्र में एक युवती से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की तो आउटसोर्स के जरिए नालियों की सफाई कराने पर सहमति बनी है। डेंगू की दस्तक मालधान में युवती में मिले लक्षण तो डेंगू ने क्षेत्र में दस्तक दे दी है। तो खबर है काशीपुर से। पंजाब हरियाणा के लिए बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। तो रुद्रपुर से खबर आई है। ससुरालियों पर मारपीट तो देवर पर दुष्कर्म का आरोप केस दर्ज किया गया है। तो किच्छा से खबर है जहां पे एक ग्रामीण महिला की शिकायत पर कोर्ट ने उसके देवर पर दुष्कर्म और पति ससुर और दूसरे देवर पर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वही खबर है खटीमा से जहाँ पे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो एक युवती ने खटीमा के युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी। पुलिस ने युवक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है काशीपुर से जहाँ पे युवक पर नाबालिग को भगाने का आरोप। तो एक व्यक्ति ने गाँव के ही एक युवक पर उसकी किशोरी बेटी को भगा ले जाने का आरोप लगाया। उधर 3 बच्चों का पिता पड़ोसी महिला के साथ फरार हो गया। दोनों मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। 9 घरों में पकड़ी गई बिजली की चोरी। तो रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे ऊर्जा निगम की विजिलेंस टीम ने बिजली चोरी रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर है काशीपुर से जहाँ पे बाइक और कार की भिड़ंत में जीजा और साला घायल हो गए। पॉक्सो एक्ट में आरोपी की मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो नाबालिग के आपत्तिजनक फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी की मां को भी गिरफ्तार कर लिया।